नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। हेमंत सोरेन कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए शाम 4 बजे का समय तय किया है। खबर है कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में आज 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेएमएम कोटे से 5 और कांग्रेस कोटे से 2 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। जेएमएम के जगन्नाथ महतो, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, मिथिलेश ठाकुर और हाजी हुसैन अंसारी मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के कोटे से बन्ना गुप्ता और बादल को मंत्री बनाए जाने की जानकारी मिल रही है। राजभवन को मंत्रियों के नाम की सूची भेजी गई। इसके बाद संभावित नामों को राजभवन से फोन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और सह प्रभारी उमंग सिंघार भी मौजूद रहेंगे। हेमंत कैबिनेट में अभी 3 मंत्री हैं, जिनमें रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम कांग्रेस कोटे से हैं, जबकि आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री बने हैं। हेमंत कैबिनेट में अभी 8 पद खाली हैं, 8 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार में जिन विधायकों का नाम आगे चल रहा है, उनमें गढ़वा से जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हैं। मिथिलेश ठाकुर से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार होना है और इसको लेकर कई नामों पे चर्चा हो रही है। हमारे साथ गढ़वा से जेएमएम के विधायक मिथिलेश ठाकुर जी हैं, जो मंत्रिमंडल में जगह पाने में इनके नाम की चर्चा सबसे आगे है। मिथिलेश ठाकुर जी हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आपके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है कि मिथिलेश ठाकुर जी को मंत्री बनाया जा रहा है, बनना तय है। कोई आधिकारिक सूचना मेरे पास नहीं है और मैं आज जो जनता ने मुझे दिया है, जो जिम्मेदारी दी है मुझे, गढ़वा का विधायक बनाने का काम किया है जनता ने, मैं अभी उस जिम्मेदारी को कैसे भली भांति निभाऊं इस पर मेरा पूरा फोकस है और पार्टी का भी वरीय पदाधिकारी हूं, पूरे राज्य की भी जिम्मेदारी है। तो क्या माना जाए, गढ़वा में जिस तरह से आप पे लोगों ने भरोसा जताया है, आपकी प्राथमिकता गढ़वा के लोगों के साथ साथ क्या किस रूप में है? देखिए, गढ़वा की जनता के साथ मैं लगातार दिन रात 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और सारी समस्याओं से वाकिफ हूं और मैंने जो भी वादे जनता के साथ किए हैं और वहां की समस्याओं को मैं बहुत भली भांति जानता हूं और सारी समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता है। मैंने प्रत्येक पंचायतों से मांगी है कि आप 5-5 जो प्रमुख समस्याएं हैं वो मुझे आप लिखित रूप से दें और मैं क्रमवार सारी समस्याओं का समाधान वहां करूंगा। आप लोग गढ़वा से आए हैं? जी हाँ। किस लिए पहुंचे हैं रांची? हम लोग आए हैं कि हमारे विधायक मंत्री बन रहे हैं। भरोसा है? पूरा भरोसा है विधायक जी पे कि हेमंत जी पे? विधायक जी, हेमंत जी पर भी। देखिए, जो समर्थक है क्षेत्र से वो रांची पहुंचे, हालांकि मिथिलेश ठाकुर जी इस बात को लेकर अभी कह रहे हैं कि अभी इनके पास आधिकारिक तौर पे सूचना नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से नामों की चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर जी का मंत्री बनना लगभग तय है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हाजी हुसैन अंसारी को भी कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने जा रही है। हमारे सहयोगी कामरान के साथ बातचीत में उन्होंने मंत्री बनने के बाद अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। महागठबंधन की सरकार के बाद आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में तमाम नामों की चर्चाएं चल रही है और संभावित नाम में एक नाम हाजी हुसैन अंसारी का भी है, उनसे बात करते हैं। सर, संभावित नामों में मंत्री परिषद में आपको जगह मिलने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, जो हमने मेहनत किया है, पहले मंत्री रह चुके हैं, फिर दोबारा हेमंत जी हम पर यकीन विश्वास करके ला रहे हैं, तो हम बाकी काम जो अधूरा है हम पूरा करेंगे। जो जनता का सपना है, जो हमारे मंत्रिमंडल का सपना होगा, हाल में उसको हम लोग जैसे भी पूरा करेंगे। तो चुनौतियां क्या होंगी और प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकता जो हम लोग मैनिफेस्टो में है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो सारा मैनिफेस्टो पूरा करेंगे हम लोग। और चुनौतियां यहाँ पर झारखंड प्रदेश बहुत पिछड़ गया है, संपदा से रहते हुए भी बहुत काफी लोग बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सी वैकेंसियां है जो बाहर नहीं हुआ है, जेपीसी का एग्जाम बार बार ठप हो रहा है, उसको नहीं हुआ है, ये सारे काम को हम लोग पूरा करके आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सर, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, क्या लग रहा है कुछ कमी रह गई और अब जब
मंत्री पद का विस्तार हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो कितनी जल्दी सभी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी? जो काम छूट गया है, जो एक जो गैप हुआ है, वो काम तो कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी बहुत तेज साथ अगर छूट गया तो हम लोग पूरा करेंगे। अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो आज मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे, मंत्री पद का शपथ लेंगे? तमाम हम लोग मिलजुल के साथी, हम लोग मिलजुल के मंत्रिमंडल जो हमारे बनेगी, वो सारा मिलके हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे। चाहे मैनिफेस्टो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे और हमारे साथी लोगों का हो, जो वादा हम लोग जनता से किए उसको हम लोग पूरा करेंगे। झारखंड की जनता को काफी उम्मीदें हैं, ऐसे में उन्हें मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अब तमाम आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो जनता के लिए क्या मैसेज? जो उम्मीद रखे हम लोग उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो काम नहीं हो सका है, जो ठप हो गया था, वो सारा काम लगभग सरकार जो छोड़ दिया था, जो हमने अपने आगे किसी को पूछता नहीं था कुछ काम किया नहीं है, वो हम लोग हाथियों नहीं उड़ाएंगे। हम लोग जमीन पर के काम करके सब पूरा करेंगे। विकास की बयार बढ़ेगी, विकास की बयार बढ़ेगी, सिर्फ हाथी घोड़ा नहीं उड़ेगा। बिल्कुल, ये थे आज सन अंसारी, उन्होंने साफ कहा है कि जितना सपना झारखंड वासियों ने देखा है उन सपनों को पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कामरान जलेबी, जी मीडिया रांची। डुमरी विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो का नाम भी नए मंत्रियों की लिस्ट में बताया जा रहा है। जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला तो सबसे बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। आज हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के विधायक जगन्नाथ महतो। मंत्री पद में इनकी भी दावेदारी है और संभावना है कि जगन्नाथ महतो भी आज मंत्री पद का शपथ लेंगे। जगन्नाथ जी, मंत्री पद का आज शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसी सूत्रों से खबर है, कितनी संभावनाएं और क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन जब तक पूर्ण रूप में खबर नहीं आ जाता है तब तो उसमें कोई बोलने का तो चीज नहीं है। आप लगातार जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोगों अपने क्षेत्र का विकास तो करते ही हैं, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरते हैं, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी अगर पार्टी के द्वारा दिया जाता है तो कितना पूरे प्रदेश के लिए क्या कुछ खास करेंगे? हमने बोल दिया है आदरणीय हेमंत जी का टीम में, यदि मुझे अपने टीम में खिलाड़ी रखते हैं तो बेहतर खिलाड़ी निकलेंगे, बेहतर खिलाड़ी निकलेंगे राज्य स्तर के लिए। यही हम जानना भी चाह रहे हैं, जो अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे प्रदेश के स्तर पर अपनी छवि को बनाने और जो विभाग अगर जो मंत्री बनते हैं उसमें किस तरह के काम करेंगे? बोल रहे हैं कि बेहतर खिलाड़ी निकलेंगे, अच्छे काम होगा, कहीं किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा कि अभी काम नहीं हुआ। चाहे जो मेरे जो भी दायित्व सौंपा जाएगा अच्छा से उसको निर्वाह करेंगे। जातिगत समीकरण को साधते हुए भी मंत्री पद का जो है बंटवारा हो रहा है। राजनीति में जातिगत की बात नहीं है, अब हमारे हेमंत जी क्या कर रहे हैं, आदरणीय हम लोग का नेता वो है, वो जिनको देंगे जातिगत या किसी तरह वो तो उनको बंटवारा करना, टीम बनाना उनका है। उम्मीद है लोगों की शुभकामनाएं मिलने शुरू हो गए हैं अभी से? देखिए, इच्छा तो है, उम्मीद है, अब हेमंत जी का चीज है। तो ये जगन्नाथ महतो थे जिनका साफ तौर पर कहना कि पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो सबसे बेहतर करके दिखाऊंगा, इसका मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। अब उम्मीद है कि इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया रांची। कांग्रेस कोटे से जिन दो विधायकों को मंत्री बनने की चर्चा है उनमें से एक नाम बादल पत्रलेख का भी है। उनसे खास बात की हमारे सहयोगी मदन सिंह ने। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। हेमंत कैबिनेट का आज विस्तार होना है और कांग्रेस कोटे से दो मंत्री शपथ भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सबसे आगे नाम जिनका चल रहा है वो बादल पत्रलेख जी हैं, कांग्रेस के बहुत सुलझे हुए और कद्दावर नेता भी हैं। बादल जी, सबसे पहला नाम आपका ही आ रहा है मंत्रिमंडल जो आज विस्तार होगा उसमें शपथ लेने में, कितनी खुशी है? मुझे अभी तक हमारे प्रभारी महोदय या फिर यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी महोदय से कोई इस तरह की सूचना नहीं मिली है। हालांकि मैं मीडिया के माध्यम से ये जान पा रहा हूँ या बधाइयों का जो दौर चल रहा है, मैं अभी अपने प्रभारी महोदय से मिलने जा रहा हूँ और न ही राजभवन या सीएम हाउस से अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है। इसलिए जब तक ऑफिशियली ये डिक्लियर नहीं हो जाता, हम समझते हैं कि हम एक आम कार्यकर्ता की तरह हैं और एक जनप्रतिनिधि होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बादल पत्रलेख जी, जिस तरह से दल बदल
आपने कांग्रेस का दामन थामे रखा, क्या उसी का इनाम तो नहीं मिल रहा जो पार्टी आप पर भरोसा करके मंत्री के लिए आपको चुना है? बिल्कुल, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं टूटती हैं, लेकिन चरित्रवान लोगों के लिए आज भी जगह है। अब वो आज बाबा बासुकीनाथ की कृपा से सच प्रतीत होता दिखाई पड़ रहा है। कई लोगों के नाम लगातार सुर्खियों में थे, कांग्रेस में भी कई कदावर नेता और भी हैं, लेकिन बादल पत्रलेख पर ही भरोसा, जनता के साथ साथ जो अब अपने क्षेत्र के साथ अब पूरे प्रदेश की भरोसा, किस तरह से जीतेंगे लोगों का दिल? नहीं, पार्टी यदि हमें जिम्मेदारी देती है, अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तब की बात करते हैं। जिस कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, हमारी सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस और राजद गठबंधन ने जो वादे किए युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीब मजदूर के लिए, झारखंड के वासियों के लिए, उन वादों को हम अच्छरसा पूरा करने का दिन रात मेहनत करके प्रयास करेंगे। तो ये बादल पत्रलेख जी थे जिनके साफ तौर पर कहना है कि 4 बजे का इंतजार करना होगा, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जैसे ही आता है उसके बाद ये कुछ कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मीडिया में खबरें हैं उसके हिसाब से ये काफी खुश हैं और बधाइयों का जो दौर है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में जो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें से कुछ की प्रोफाइल भी आप जान लीजिए। सबसे पहले जेएमएम कोटे से मंत्री बनने वाले विधायकों की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक हैं, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 आपराधिक मामले इन पर चल रहे हैं। बाद जेएमएम के ही विधायक मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से हाजी हुसैन अंसारी हैं, झारखंड के सहकारिता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं, हज समिति झारखंड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड में मंत्री बनने वाले पहले और एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं। इसके बाद चंपई सोरेन जो कि सरायकला विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक हैं, 4 बार सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, 2019 में जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। इसके बाद बात जोबा मांझी की, जोबा मांझी मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक हैं, अर्जुन मुंडा सरकार में समाज कल्याण महिला और बाल विकास के साथ साथ पर्यटन मंत्री भी रह चुकी हैं, बाबूलाल मरांडी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं जोबा मांझी। बात करें बन्ना गुप्ता की, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं, 2009 में भी जमशेदपुर पश्चिमी से बीजेपी के सरयू राय को हराकर कांग्रेस के विधायक बने थे, झारखंड के कृषि और आवास मंत्री भी रह चुके हैं।